मिलकर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का, लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का, लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। ओम शांति सभी को। आज यहाँ अमृत भोजन, जो सही अर्थ में अमृत भोजन कहा जाता है, ऐसा अमृत भोजन हमारी सभी बीके की बहनें और भाई लोग सभी इस भोजन का आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि भोजन भी भजन की तरह होना चाहिए। जिसका भोजन अमृत तुल्य है, उनके जीवन में अमृत भर जाता है, और जिसका भोजन मृत है, उनके जीवन में जहर मिल जाता है। तो आज ये अमृत देने वाला भोजन सभी यूज कर रहे हैं अपने शरीर को पोषण देने के लिए। तो इस भोजन में सभी के हम अभिप्राय भी जानेंगे कि दोपहर में ऐसा भोजन लेने से शरीर में लचीलापन आता है, फिर शरीर में जो अपनी गति है वो बढ़ जाती है, मतलब हम फास्ट हो जाते हैं और हमारी स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी बढ़ती है। तो ये तीनों चीजें फायदे में ही रहेंगे। दूसरी बात, पका हुआ भोजन जब हम लेते हैं दोपहर में, तब हम एक चीज ढूंढने लग पड़ते हैं खाने के बाद, और वो चीज है खटिया। जब तक खटिया ना मिल जाए, तब तक हम फ्रेश नहीं हो पाते। मतलब पका हुआ भोजन जब लेंगे, तब आलस बढ़ेगा, प्रमाद बढ़ेगा, आराम करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, शरीर में जड़ता आएगी, और जड़ता माना मृत्यु, लचीलापन माना जीवन। तो ये जीवन देगा। आप अभी लंच कर रहे हैं, लंच के बाद आपको आराम की ना जरूरत पड़ेगी, ना कोई आलस आएगा। तुरंत ही कुछ काम करना है तो भी आप काम में जल्दी से लग सकती हैं, हाँ। और शरीर को भी ये पूरा आराम देता है, शरीर के ऊपर लोड नहीं करता। तो भाई लोगों और बहनों को, यहाँ के जयसिंहपुर के सभी ब्राह्मण आत्माओं को मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ये आज का जो लंच है वो आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा या बहुत अच्छा? बहुत बहुत अच्छा। और दो बार बहुत 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 अच्छा, यही हमारी सेहत के लिए अच्छा है। और कहते हैं कि कच्चा ही सच्चा है, और वही सेहत के लिए अच्छा है। और सेहत और सफलता दोनों साथ साथ चलते हैं। जो आदमी बीमार है वो सफल भी नहीं हो सकता। तो सफलता प्राप्त करने के लिए आज का सोमन कौन सा दीदी ने दिया है? हम सफलता मूर्त आत्माएं हैं, तो सफलता लाने के लिए सेहत भी जरूरी है। पर्सनल भी मुलाकात करेंगे कि आपका नाम महावीर भाई? हाँ, महावीर भाई जो जयसिंहपुर से ही है आप, हाँ। तो आप इस एनडीएस की यात्रा में, इस जर्नी में कब से जुड़े हुए हैं? दो दिन से। दो दिन से
अच्छा, वेरी गुड। मतलब दो दिन में ही आपने काफी सारी ग्रिप इसमें ले ली है, और आगे के लिए ऐसा ही कुछ प्लान करके जीने वाले हैं? ऑलरेडी स्टार्ट किया है हम लोग ने। बरोबर है, कहीं भी फिसले तो क्या करेंगे आप? रिस्टार्ट करेंगे। गिरकर चढ़ना, हाँ। चढ़कर गिरना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो गिरकर संभलने में होशियारी है, समझदारी है, छोड़ के भागना नहीं है, पीठ दिखाना नहीं है। आपका नाम दादाजी? मूर्ति गणपति मारी सिर्टी। अच्छा, इतना लंबा लंबा नाम है तो वहाँ के गुजरात में थोड़े से कम होते हैं। तो आप ये कच्चा भोजन पहली बार खा रहे हैं? पहली बार। हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। तो आप ऐसा कुछ पकाता खाना पिक्चर जल्दी अच्छा लगा, तो ऐसी रेसिपियाँ ये बहने यहाँ हैं तब तक खिलाएंगी, घर पे जाके तो कुछ मिलने वाली? किताब लिया है। नहीं तो किताब लिया है, बनाने का किताब लिया है हमको ऐसा बनाना। अच्छा अच्छा, मतलब आप बना लेते हैं? के बहनों को बोलेंगे घर पे जाके बोलेंगे? अच्छा, तो कोई कोई भाई लोग होते हैं वो घर पे बनाते हैं और बहनें बैठकर खाती है, तो ऐसा भी होता है कोई बार। एक बार एक भाई जी वो घर पे जाने वाले थे 10 बजे ऑफिस से, तो उसको किसी ने पूछा कि भाई आप जा रही हैं तो अभी लेट हो गए हैं, घर पे खाना खा लिया होगा बहन ने? तो बोली कि नहीं, वो खाना मुझे अकेला छोड़कर नहीं खाती, मैं जाता हूँ बाद में ही वो खाती है, इतनी पतिव्रता नारी है। फिर पता चला कि वो भाई जाते हैं ऑफिस से, फिर खाना पकाते हैं, बनाते हैं और दोनों साथ मिलकर खाते हैं। तो यहाँ बाबा ने तो हमें सिखा दिया है कि जब तक सेवा कम से कम लेनी है, किसी की सेवा की जरूरत ही हमें ना पड़े। तो भाई लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं, बहनें भी बना सकती है, और ऐसे अमृत भोजन को लेते रहना है। आपका शुभ नाम? पुनूंद भाई। क्या? पुनूंद भाई। अच्छा, आपको याद रहता है? पुनूंद भाई। हाँ। आपको ये बहुत बढ़िया लग रहा है, हाँ? अच्छे तरीके से ऐसे ही भोजन लेते रहो और पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति करो। आप भी बहुत पूरा समझ में आ गया इसका पूरा नॉलेज, बढ़िया अच्छे तरीके से। तो दोपहर में पका हुआ भोजन छोड़ना है, सुबह का नाश्ता छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ना है। रात में एक टाइम रोटी सब्जी कुछ भी खाना है तो एक टाइम खा लो, अगर बीमार नहीं है तो। तो इस तरीके से आगे चलेगा। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बीजे पटेल। हाँ जी, बीजे पटेल जी। और आप तो एक मास हो गए? अच्छा, एक मास हो गया आपको? हो गए। देखो जी, आप दो दो दिन से, कोई 5 दिन से कर रहे हैं, यहाँ इसने एक मास से पूरा, तो एक मास का अनुभव क्या रहा आपका? ओ, बढ़िया अनुभव रहा है, मेरा शुगर लेवल है वो नॉर्मल हो गया है। क्या बात है, देखो तालियां हो जाए एक बार। जो शुगर लेवल जो 5 साल 2 साल या 10 साल से नहीं जाता, वो 1 महीने में ही गोली बंद कर लिया है। हाँ? गोली रहित दुनिया, दवाई रहित दुनिया में आपका मंगल प्रवेश हो गया है। वजन कुछ ऊपर नीचे हुआ? वजन 5 केजी कमी हो, कम हो। 5 केजी वजन अभी चलने में फिरने में उठने बैठने में तकलीफ नहीं है? मैं हर रोज खेत में 8-8 तास काम करता हूँ। अच्छा, श्रम का काम करता हूँ। कोई कहता है कि ये कच्चा खाने से ताकत नहीं आती तो काम कैसे कर पाएंगे, तो कहते हैं कि 8-10 घंटे खेत में धूप में काम करें, धूप कम लगेगी जो कच्चा खाएंगे तो, सर्दी कम लगेगी कच्चा खाएंगे तो। और कुछ? और कुछ नींद आती थी वो नींद उड़ गई है। अच्छा, मतलब रात को तो आती है ना? रात को आती है। दिन में हाँ, नहीं तर कोई करेगा नहीं कि भाई रात को क्या। हाँ, दिन में हम जो ज्यादा सोते हैं ना, वो कम हो, आलस निकल जाता है, एक्स्ट्रा जो आलस्य था वो आलस बिल्कुल नहीं। बरोबर, एनर्जी फुल है। और रात में भी हम 4 घंटा भी सो ले तो अच्छे तरीके से फ्रेश हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अनुभव है आपका। हाँ जी, आपका नाम? मारुति माहड़ी जी। और आप इस सिस्टम के आज पहला दिन है? हाँ, पहला दिन। बरोबर है।
तो आपको भी लास्ट सो फास्ट जाना है। कच्चा भोजन दोपहर कर लीजिए, रात को एक टाइम अगर जरूरत पड़े तो पक्का भोजन लीजिए। दिन में माँ प्रकृति देव ऐसा, यहाँ के महाराष्ट्र के किरण वातारे करके एनडीएस के प्रचारक है, किरण वातारे, तो किरण वातारे जी अक्सर कहते हैं कि दिन में माँ प्रकृति दे वैसा खाना है और रात में बीवी दे वैसा खाना है, जो भी पका कर दे, तो उनसे भी हमारा स्वास्थ्य काफी हद तक अच्छा रहता है। आपका शुभ नाम? सचिन पाटिल। सचिन तेंदुलकर नहीं, सचिन पटेल। पाटिल, पाटिल। हाँ जी, आप व्यवसाय से, किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? हाँ, सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं, तो आपका ये पहला दिन है कच्चा खाने का? पहला दिन है। बढ़िया लगा? हाँ, अच्छा लगा। ऐसा हर रोज अगर कोई दे तो चलता है या फिर रोटला या दाल भात याद आएंगे? नहीं, नहीं चलेगा। चलेगा, बढ़िया, बहुत अच्छे। आपका शुभ नाम? एकनाथ मकदूम। एकनाथ जी, हाँ, तो अभी ये जो रोम सभी बनाई है बहनों ने चीजें, तो ये चीजें खाने से हमारे अंदर न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन वो ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? सफिशिएंट। हाँ, बरोबर है, पका हुआ भोजन में न्यूट्रिशन कम होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं, मतलब कोई भी डेफिशिएंसी आने का चांस नहीं है। फाइव स्टार से बढ़कर है। हाँ, फाइव स्टार से बढ़कर है। फाइव स्टार से भी बढ़कर है, बहुत बढ़िया। अभी सर जी के मुख में मैंने तो जब से आए हैं तब तक देख रहे हैं कि सबसे खुश नसीब और खुशी इसके अंदर भरी है बाबा ने। इनको देख के भी हम भी खुश होते हैं, दूसरी आत्माओं में भी खुशी के वाइब्रेशन जाते हैं। तो आपका इस विषय में, एनडीएस के विषय में और आज के भोजन के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले बात बताऊंगा कि ये जो व्यंजन बनाने की जो आपने हमें सिखाया, हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, क्योंकि ये अभी हम घर में जाके कर सकते हैं। बरोबर, ये आज की बहुत सारी उपलब्धि है। बरोबर, और दूसरी बात, मैं लगभग 15 दिन कर रहा हूँ। 15 दिन में मेरा 5 किलो से ज्यादा वेट कम हो गया है। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जैसे पाटिल जी ने बताया कि हाँ, दोपहर को मैं 2 घंटे सोता था। हाँ, हाँ, तो अभी नींद ही नहीं आती, दोपहर में नींद की जरूरत रहता हूँ। फ्रेश रहता। और पहले स्टार्ट करने, इंडेक्स करने, स्टार्ट करने से पहले जी लगभग मैं 8 घंटे सोता था रात को। हाँ जी, अभी 6 घंटे ठीक रहता है और 6 घंटे के बाद मैं उठ के फ्रेश रह के काम करता हूँ। बरोबर है, तो बहुत अच्छा, आज का खाना भी बहुत अच्छा है जी, और आपका पूरा सेशन 2 दिन का है। हाँ जी, वो उससे बढ़िया। थैंक यू। और आप एनिमा यूज करते हैं? कर रहे, आज से कर रहे। बहुत बढ़िया जी। ओम शांति माता जी। आप हम गुजरात जाएंगे तो भी याद आएंगे आप सभी है? और ऐसे अमृत भोजन आप हर हमेशा खाते रहिए, और जब तक बाबा के हैं संगम युग के अंत तक, तो सदा स्वस्थ रहें ऐसी हमारी शुभकामना है। और पके हुए भोजन से दोपहर को थाली पका हुआ भोजन की दूर हटा लीजिए, कच्चे भोजन की थाली उसकी जगह पर। 1 महीना 11 दिन हुए है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, 1 महीना और 18 दिन हुए हैं, बहुत बढ़िया। मेरा घर बंद हुआ है, उत्तम भाई रानी बहन जी से समा उनके साथ हमने ये खाया है। बहुत बढ़िया, उन्होंने खिलाया है। अच्छा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नाम क्या कहा आपने? जयश्री माता जी। हाँ जी, आपका नाम? हाँ, आप पहली बार ही कच्चा खा रही हैं, अच्छा लगा? कि घर पे जाके रोटी खानी पड़ेगी? नहीं, जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, ऐसे कच्चे भोजन से हमारा स्वास्थ्य ही फिर से हमें लौट कर आता है, हम बीमार कम से कम होते हैं। ठीक है, ओम शांति। आपका नाम? राजश्री। आपकी थाली में कुछ है नहीं चाहिए? और नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ कच्चे भोजन में चाहत कम होती है, पक्के भोजन में चाहत ज्यादा होती है। कि आलू इतना खा लिया है, उसकी पेट भर रहा है। बरोबर है, माता जी कहे कि इतना छोटा छोटा प्रसाद लिया ना, 4-5 रेसिपी का, उसमें ही पेट उनका भर गया,
आज के स्लोगन में है संतुष्ट मणि बनना है, संतुष्ट रहना है, संतुष्ट दूसरों को भी बनाना है। तो वही सच्ची संतुष्ट मणि आत्माएं हैं। तो ऐसी माता जी संतुष्ट मणि बन गई है अभी कच्चा खाके। ओम शांति जी। और आप यहाँ से जयसिंहपुर से ही हैं और बाबा के ज्ञान में कितने समय से हैं? ढाई साल। ढाई साल में आपने काफी सारा 7 डे कोर्स और सेवाएं भी यहाँ यज्ञ पे देती हैं। हाँ, वेरी गुड। तो अभी परिवर्तन एक ही चीज का करना है, दोपहर में कच्चा, रात में पक्का, इस तरह से करती रहेंगी तो स्वस्थ होकर बाबा की सेवाएं करती रहेंगी। जूस दोपहर एक कच्चा, हाँ, शाम को एक रोटी और भाजी। हाँ बस वही। ओम शांति माता जी। हाँ तो आप घर पे दूध का सेवन करती हैं या छोड़ दिया है अभी? दूध, छाछ, घी, मक्खन? हाल हाल आज पूछते छोड़ा था तो पहले खा ले नहीं। हाँ बरोबर है। तो दूध का सेवन छोड़ने से ही हम स्वस्थ होंगे, बरोबर है? जितना सिखाया उतना प्रैक्टिकल में, व्यवहार में लाएंगे तो हमारी कीमत और बढ़ जाएगी। हाँ, हीरे की कीमत जैसे बढ़ती है ना, उसमें चमक आती है, धार निकलती है, वैसे ऐसे हम प्रैक्टिकल में लाएंगे। प्रतिज्ञा 3 प है, तो वो प्रतिज्ञा करनी है, उस पे प्रैक्टिकल भी रहना है, तो हम सफल हो पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आपको ये कच्चा भोजन बिल्कुल अच्छा लग रहा है? हाँ, मैं पहले से 15 दिन करी थी। अच्छा, हिंदी आता नहीं, समझता है मराठी? जी बोलिए। फिर मेरा शुगर है, बीपी है। हाँ जी। उसको शुगर नॉर्मल हो गई। अच्छा, 300 आई, 300 जेवनानंतर खाने के बाद 300। जी जी। और सुबह की 96। हाँ जी, नॉर्मल आई है। बरोबर, फिर करने वाली हूँ। बरोबर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आगे बढ़िए और सफल होइए। हाँ जी, ओम शांति। 15 दिन किया है। 15 दिन किया है, मतलब अनुभव इनका लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो इनको अभी संस्कार बनाना है हमारा। हाँ, सतयुगी संस्कार है, फल सलाद सब्जी उनका ज्यादा प्रयोग करेंगे, फल खाएंगे तो सफल हो जाएंगे। अब भाई, अब शुगर की गोली खा करना। अब किस शुगर की गोली? मैं नहीं खाया है। हाँ, दोनों टाइम आप कच्चा खा रही है या एक टाइम पका? दोनों टाइम कच्चा खा रही है, तो गोली खाने की आवश्यकता नहीं है, साथ में एनिमा करते रहना है। हाँ, 90 दिन। किसकी गोली खा रहे हैं आप? घुटने की। वो आप दोनों टाइम कच्चा भोजन लेना। हाँ। दोनों टाइम कच्चा भोजन, रात में रोटी सब्जी नहीं खानी है, वरना घुटने का दर्द नहीं जाएगा। हाँ। दोनों टाइम फर्क पड़ेगा, पूर्ण रीति से नहीं जाएगा। तो दोनों टाइम आप कच्चा भोजन लेंगी तो क्या होगा कि गोलियां की आवश्यकता 1 सप्ताह के बाद कम पड़ने लगेगी, और धीरे धीरे करके छोड़ देना है। दवाइयाँ नुकसान ही करती है, दवाइयों से कोई फायदा नहीं है। हाँ, बीपी भी 1 महीना 2 महीना कच्चा खाएंगी ना तो बीपी अपने आप सेट हो जाएगा, बाद में गोली खाती रहेंगी तो नुकसान होगा, उनकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो तभी होशियारी से, समझदारी से डॉक्टर के पास जाकर या खुद अपना चेक करके बंद कर लेना है। हाँ? चाय। हाँ, जास्ती आदत है तो पहले कम कर दीजिए। हाँ। 4-5 बार पी रही है तो 1 बार से अपना पूरा दिन निकाल दीजिए। और जैसे हाँ, शाम को 1 टाइम थोड़ा सा आधा कप ले लिया तो फिर ऐसे करके ये संस्कार को निकालना है। चाय बहुत जहरीली है और वो डस जाती है हमारे स्वास्थ्य को। हाँ? भाई एक शुगर की गोली है ना। हाँ। रात में पक्का खाना खाया तो लेनी पड़ेगी शुगर की गोली। हाँ, वो सीधा जल्दी से हम छोड़ नहीं सकते। हाँ। अगर पका हुआ 1 टाइम खा रहे हैं उसमें भी गोली। हाँ, 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 जी। और उसमें क्या होगा, 15-20 दिन के, 1 महीने के बाद वो शुगर बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा, पके हुए भोजन खाते खाते भी। हाँ, चेक कर तो फिर बंद कर देना है। हाँ। ओम शांति। ओम। हाँ जी। सात महीने
अच्छा अच्छा 7 महीने से आप ये सब कुछ चालू करेगा? हम तुम्हारे पूछता है ना जी, तो अगर चालू करेगा। अच्छा अच्छा, पहले किया था उन्होंने, पहले किया है इसलिए। अच्छा भाई, आओ भाई जरा सांगा चंद्र की मम्मी। हां हां, नहीं नहीं ये सांगा माधव बक्सर होते इतना माधव होते, मैंने अगोदर हेज करा तो और पहले एक हॉस्पिटल में जाते थे तो थोड़ा सीखा था वो। हाँ। कर रहे थे 7 मास से, अभी ये भी कर रहे हैं 1 मास से वो कर रहे हैं। शुगर और बीपी थोड़ा सा लेवल कम हो गया, कम हो गया। देखो आप सभी सुनो, माता जी का भी बहुत सुंदर अनुभव है। पिछले 4-6 महीने किया था, बाद में बीच में छोड़ा। पिछले 1 महीने से एक महीने से अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो शुगर और बीपी दोनों कायम करते हैं। बैलेंस अभी कायम करने का। शुगर बीपी गोळ्या, शुगर ची कमी झाल्या 2 गोळ्या, म्हणजे रक्त पातळीची ती गोळ्या बंद झाल्यात। जी जी, और घेत असताना बरं चक्कर येते म्हणून ती अर्धी अर्धीच घालू आता। आणि HB1 9 होतं ते आता 7-6 झाले, 3 वेळा तपासलं आता 6 पॉईंट वर आले। शुगर रक्तात कमी झाले, MH1 असतं ते तपासलं, काय असते ती रक्त तपासणी कमी झाली म्हणजे शुगर व्यवस्थित होणार आहे। 5 गोळ्या 5 लिटर की ते कमी होणार, सगळंच गोळ्या कसा कमी होणार आता। बरोबर, कारण मी केलो की नाही तर लवकरच कमी होणार। किसी किसी को कुछ भी ऊपर नीचे कोई रिपोर्ट आए, मानो कि कच्चा खाते खाते हीमोग्लोबिन बढ़ने के बजाय एक कम हो जाए, तो हम मिस्टेक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हम हरी पत्तियां अच्छी तरीके से नहीं ले रहे हैं, फल या सब्जियां अच्छी तरीके से नहीं लेंगे तो एक तरफ पका छोड़ देंगे, और एक तरफ कच्चा भी अच्छे तरीके से नहीं लेंगे तो शरीर तो क्या करेगा, वो किसी भी कमी को आगे रख देगा। तो बैलेंस डाइट के बारे में बार बार कहते हैं कि आपकी थाली में देखो सभी चीजें हैं, सब्जी भी हैं, फल भी हैं, कंदमूल भी है, सारी चीजें हैं। तो अपनी थाली ऐसी बनानी है कि जिसमें सारे न्यूट्रिशंस भरे हैं, तो सारे आगे बढ़ते जाएंगे। हरी पत्तियां लेने से हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, तो हरी पत्तियां 2-3 बार चबा कर भी खा लो या फिर जूस निकाल के पी लो, ठीक है? हाँ चलता है। हाँ जी, ओम शांति। आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे और आपका अटेंशन वो बाबा के चात्रक पक्षी जैसा, काफी नॉलेज है और अनुभव में भी शायद आपको होगा। तो ये न्यू डाइट सिस्टम आप अभी 1-2 दिन से ही प्रयोग कर रहे हैं या कुछ? मैंने 15 दिन पहले हमने किया था। 1 जनवरी से 18 जनवरी जी हमने किया, मेरा वजन कम नहीं होता था जी। ये खाने से, ये सब रेसिपी खाने से मेरा 4 किलो वजन घट गया। वेरी गुड, 15 दिन में 4 किलो वजन घट गया। हल्कापन भी बहुत हल्कापन आता है, वेरी गुड। नींद आती है और चलने में भी जरा सा कुछ, पैदल चलती हूँ तो जरा सा पैर भारी सा हो जाता था, लेकिन अब बिल्कुल हल्का हो गया। तो मेरे को अभी बीपी की गोली चालू है, यानी मेरा खून है वो बहुत गाढ़ा रहता है जी। तो उसको पतला करने के लिए वो जो मैं इकोस्प्रिन की गोली खाती हूँ, खाऊं या बंद करूं? ऐसे अभी दोनों टाइम आप कच्चा ही ले रही है। हाँ। तो खून अपने आप 15 या 20 दिन या 1 महीना थोड़ा सा हम कर लेंगे ना, फिर उनका रिपोर्ट निकालने का ब्लड का। हाँ। कि कितना अपने हिसाब से पतला हो रहा है। हाँ। और उस हिसाब से गोली से छुटकारा ले लेना है। अभी आप जो गाढ़ा है ब्लड, उसमें हमारे साइट्रिक फ्रूट जाएंगे, उनके जूसेस जाएंगे। हाँ। और ककड़ी से, टमाटर से वो पानी जो अल्कलाइन पानी है वो खून में मिलेगा, तो अपने आप खून की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना वैसी वो खुद ब खुद बना लेगा। खून की वजह से 2 बार अटैक आ गया था। हाँ, क्योंकि बीच में हम पास नहीं हो रहा था क्योंकि नसें भी बिल्कुल छोटी और खून भी गाढ़ा। हाँ। तो वहाँ तक वो खून पहुँचता नहीं था, तो हमारी जवान विवान सब भारी जी, 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 जी। तो अभी हम चाहते हैं कि
ब्रह्मा भोजन भी हमारी तमन्ना है कि इसी तरीका बनना चाहिए। हाँ बराबर है, ये ब्रह्मा भोजन बोले तो देवताएं तरसते हैं तो हम ना तरसे, तो ब्रह्मा भोजन भी हमारे सेंटर पर इसी तरीका बनना चाहिए, ये हमारी तमन्ना है। वाह, माता जी ये कह रही है कि ब्रह्मा भोजन भी इसी तरीके से बनना चाहिए कि जिसे स्वास्थ्य प्राप्ति हो, पता भी चलेगा ना स्वास्थ्य। हाँ, हाँ, जी आपका नाम? मीना वर्धमान। हाँ, आपको कैसा लगा? बढ़िया। एक महीने डेढ़ महीना हो गया ये मुंबई में चालू कर दिया, तब से चालू। हाँ, दोनों टाइम कच्चा या शाम को एक टाइम पकाया लेती है? शाम को रोटी सिर्फ बाजरी। हाँ, ये आपके गले में जो पट्टा है तो उसमें सर्वाइकल प्रॉब्लम है? जी पार्किंसन जो है वो कच्चे भोजन से चला जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी तीव्रता से आगे जाकर करना पड़ेगा। एक दिन दोपहर कच्चा, रात में पक्का, ऐसे चलते रहेंगे तो 100% क्योर नहीं होगा। आपको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, लेकिन रोग दूर जाते हैं पूरे पके हुए भोजन से हम किनारा कर लेते हैं। तब पूरा ठीक हो जाने के बाद रात को एक टाइम खा सकते हैं, लेकिन कुछ भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड। हाँ हाँ, चलने नहीं आता था तो अभी चल रही है। अनाज कम हुआ तो घुटनों का दर्द भी कम हुआ। माता जी ओम शांति। जो गोली लेती थी ना रोज हर एक, वो भी बंद हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, आज पहला बार, पहली बार ही आपने खाया है। और ये ब्रह्मा भोजन अमृत भोजन है, उनसे शरीर में हल्कापन रहता है। हाँ, वो रोटी सब्जी या दाल भात खान लेने से पेट में एकदम वजन वजन हो जाता है, अच्छे तरीके से चल नहीं पाते, ऐसे होता है। तो बुढ़ापे में तो अमृत भोजन ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। आगे के लिए भी आप चालू रखिएगा, घर पे जाके भी। हाँ, एक टाइम रात को पका हुआ थोड़ा सा ले लो, दिन में कच्चा ले लो। ओम शांति बहन जी, कैसा ठीक लगा आपको? अच्छा लगा? ठीक लगा मुझे ना, थोड़ा एक 15 दिन एक महीने से प्रॉब्लम है, पैरों में ऐसे खिंचावट से आती है चलने में, और सर भारी होता है, और हाथ में भी ना एक ऐसे मोबाइल पकड़ो तो ये आसान ही होता है। हाँ, तो मैं हॉस्पिटल जाना चाहती थी कल से, तो आज कल से मैं यहाँ पे आ रही हूँ ना, तो मैंने अपने मन से ये ठान लिया कि ये थोड़ा ये करेंगे और उसके बाद हॉस्पिटल में जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं कहूँगा कि आपको अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। दोनों टाइम कच्चा खा लो, दो या तीन महीने, दो तीन महीने में पूरा ब्लड अपना चेंज होगा, वेट भी गिरेगा, लेकिन एनीमा के साथ प्रयोग करने हैं। हाँ, एनीमा के बिगैर कच्चे खाने से इतने सुंदर परिणाम नहीं निकलेंगे, तो एनीमा लो, कच्चा खाओ, दूध की आइटम को पूरा अवॉइड कर दो, शुगर सॉल्ट अवॉइड कर दो, अनबिलीवेबल परिणाम मिलेंगे, आपने सोचे भी नहीं होंगे ऐसे परिणाम। थोड़ी सी संस्कार परिवर्तन में दिक्कत आएगी कि हम खा ले, लेकिन उनके सामने हम खड़े रहेंगे तो विजय हमारे गले का हार है। ओम शांति। कच्चा भोजन अच्छा है, कच्चा भोजन पक्का भोजन अच्छा है, सच्चा है। हाँ, तो आप आज एक दिन ही खाने वाली है या फिर हर रोज? हमें रोज चालू करेंगे। बहुत बढ़िया, ओम शांति। तो आपको इस विषय में क्या कहेंगी, ये अमृत भोजन के विषय? बहुत अच्छा है, हम लोग मायरवे की गली में, तो हम लोग करेंगे दोनों साथ में। हाँ, ये बहन ने जो रेसिपियाँ सिखा रही थी, तो उसमें कुछ आइडियाज आया आपको या फिर दूसरी बार देखनी पड़ेगी? नहीं नहीं, आएगा। नो, इतना ही इजी है पके हुए भोजन। हम लोग सैलेड में करते हैं ही ना घर में, तो वैसा ही है। इजी कहेंगे तो सब हमारे लिए इजी होता जाएगा। माता जी ओम शांति। कितने साल की हैं आप? 66। पहले के जमाने में हम ऐसे सुनते थे कि लोग हजार हजार साल जीते थे, तो हमने देखा कि ये माता जी 2000 साल की। तो आपको ये भोजन कैसा मस्त लगा? ऐसा हर रोज आपको दिया जाए तो आप खाती रहेंगी? पक्के भोजन की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया आपको। माता जी ये भेल वगैरह जो दूसरा क्या बनाया था,
अचार अचार और गाजर बीट का हलवा वो सब अच्छे लगे। सीखे भी हैं। हमारे सारे बहन से सीखे। बाबा कहते कि हम स्टूडेंट हैं, तो ये भी स्टूडेंट बनकर सीखते रहेंगे तो खुद भी स्वस्थ होंगे, घर वाले भी स्वस्थ होंगे। ओम शांति। ओम शांति बहन जी, आप यहाँ सेवाएं देने के लिए आती रहती हैं। बाबा के ज्ञान में कितने समय से हैं? 8 वर्ष से। बहुत बढ़िया। और ये कच्चा भोजन आज पहले दिन ही लिया है या फिर कभी प्रयोग किए हैं इनके? पहली बार सेंटर को आता है, सब क्या क्या करता है तो सब लोग। अच्छा अच्छा, ऐसा करती रहेंगी, थोड़ी सी आदत डालेंगी तो हमारी सेहत के लिए ये सब अच्छा है। आप यहाँ के भंडारे को संभालती हैं या सेवाओं में? मैं घर में हूँ, आज जाकर करती हूँ। वेरी गुड। तो बाबा के ज्ञान में कितने समय से हैं? 25 साल। 5 साल से? 25 साल, मतलब 25। अच्छा, 25 साल से हैं, पुराने और नीव के पत्थर हैं। तो आप साथ साथ में ऐसे कुछ भोजन को साथ में मिला दीजिए, आप हेल्दी दिख रही है, कोई ऐसे तकलीफ ऐसे? कल से मैं यही कर रही हूँ, काल से मैं अभी यही कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो खाने में पूरे दिन में ऐसे अमृत भोजन को लीजिए, रात में जरूरत पड़े तो कुछ रोटला या कोई नहीं, सब्जी? नहीं, मैं रात को नहीं खाता ही नहीं। अच्छा। रात को मैं खाती ही नहीं। अच्छा, दिन भर ही खाती, 4 के बाद मैं खाती ही नहीं। वेरी गुड। बहुत अच्छा। मैं हिंदी में बता रही हूँ तरफ से, तो इनका एक लड़का है तो उनके सिर पर बाल नहीं है, तो उगाएंगे क्या? हाँ, उनको दोनों टाइम ऐसे ही सभी को जो इलाज देते हैं कि रसाहार और कच्चा भोजन, स्पेशली कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। उसमें तेल मालिश तो बिल्कुल ही ना करें। हाँ? वो अंदर से साफ करते रहेंगे, एनिमा लेना पड़ेगा। और बाकी कच्चे भोजन पे उनको रखेंगे अभी सुना है ना, वही सब तो 1-2 महीने में ही बाल का कुछ हमको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, वो करना पड़ेगा। जो रोटली सब्जी और दाल भात खिलाएंगे तो बाल नहीं उगने वाले हैं, कच्चा खिलाना पड़ेगा। एक 15 दिन से पेट में दर्द हो रहे हैं जी। तो डॉक्टर ने बताया का पित्ता की पिछवे है ना, उसमें सूज आया है। मैंने कुछ दवाई नहीं ली। उनका 8 घंटा शुरुआत में उपवास करेंगे ना सुबह, बिल्कुल ना खाना ना पीना, और सुबह एनिमा करना। एनिमा करके 8 घंटा नहीं खाएंगी पिएंगी तो लगभग दूसरे तीसरे दिन से वो दुखावा दूर हो जाएगा। अच्छा बाबा, ओम शांति। हाँ, हाँ जी, देखिए माता जी, आपका नाम क्या है? हाँ जी, और यहाँ बाबा के यज्ञ में कुछ भंडारे में है, आप अभी सर्व कर रही थी, सभी को दे रही थी। तो बाबा का ये भंडारा जो है वो हम पका कर भी भोजन बनाते हैं और इस तरह से कच्चा भोजन भी दे सकते हैं। तो 2 टाइम नहीं तो कम से कम 1 टाइम ऐसा भोजन और 1 टाइम ऐसा चलेगा? तो चलेगा, ठीक है। जो जिसको रोग नहीं है उनको हम हेल्दी रखने के लिए एक बार कच्चा एक बार पक्का तो खा सकते हैं। 70 साल का है। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर 2 टाइम 53 का मुझे जी, अगर दूसरी बार पका हुआ भोजन खाएंगे तो दूसरी बार का भोजन डॉक्टर के लिए है, तो 2 बार तो पके हुए भोजन को छूना ही नहीं है। हाँ, स्वस्थ है तो 1 बार छुओ और रहा जाए तो दोनों टाइम कच्चे भोजन पर रहो। भाई मेरा प्रश्न है। हाँ जी बोलिए। 2 प्रश्न है मेरे। हाँ। एक हमारा भाई है। हाँ। उसको नर्व मज्जारज्जु नर्व का डिसीज हुआ है। जी जी, नर्व का। हाँ, हाँ। वो एकदम लुकड़ा सा हुआ है, वजन कम हुआ है, एकदम वीक हुआ है, उसको ये करने का चलेगा? चलेगा, उसको अच्छे अच्छे जूस पिलाइए, बीट के, गाजर के या फिर पालक के, जो भी मिल रहा है। बरोबर, गन्ने के जूस हैं या फिर ऑरेंज जूस है, ओम शांति। तो उनको आप पिलाती रहेंगी, पके हुए भोजन को छुड़वा देंगी। और खास करके भले दुबला पतला हो फिर भी एनिमा तो दबला, हाँ, दबला। फिर भी एनिमा तो 1-2 महीने तो लेना है उनको, सुबह शाम 2 टाइम। तो इनसे उसमें कुछ बदलाव आने
शुरू होंगे जो हमें डॉक्टर लोग नहीं दे सकते, ऐसे बदलाव रखा है डॉक्टर ने, कुछ इसका इलाज नहीं है बोला, उनको बस एनीमा करवा के इनको चाय दूध कॉफी तो बिल्कुल ही ना पिलाओ, और अनाज बंद करके ऐसे सब्जियों का फलों का जूस और हो सके तो उनको सलाद और काट के भी दे सकते हैं, एक बार नहीं 5 बार भी दे सकते हैं, वैसा खिलाओ लेकिन पका हुआ से उनको हटा लो, तो उनको 1 महीने में कुछ परिणाम आपको देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये वर्क कर रहा है। एनिमा किट उत्तम भाई से आप खरीद करके उनका भी ऐसे चालू करवा के ठीक कर हो सकता है 200%।